प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको दैनिक राशिफल के साथ साथ आपके अपने घर के या फिर आपके जो कार्यस्थल है, चाहे दुकान है, शोरूम है, ऑफिस है, वहां से संबंधित वास्तु दोषों का क्या उपाय करें, वो भी आपके लक्की नंबर के आधार पर कैसे करें, तो वो चीजें, वो दुर्लभ उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। आज जो बताऊंगा वो एक नंबर से लेकर पांच नंबर तक के लोगों के लिए, जिनका लक्की नंबर एक से लेकर पांच तक है। और कल जो बताने वाला हूं वो बताऊंगा छह से लेकर नौ नंबर वाले लोगों के लिए। तो आप इन सब बातों को गहराई से जानने और समझने के लिए, अपने हर भाव का प्रॉपर तरीके से फल जानने के लिए, ताकि आप डिटेल में समझ सकें कि आपके साथ जिंदगी में क्या घट रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्या होने वाला है और कैसे उसका उपाय करें, तो आपको अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखना चाहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के ग्रह गोचर की स्थिति से। देखिए, मेष राशि में मंगल देवता विराजमान है, अपनी उनकी राशि है, और यहाँ पर जो राशि में परिवर्तन हुआ वो चंद्र देवता वृष राशि में यानी उच्च के होकर विराजमान हो गए, तो लाभ ही लाभ देने वाले हैं। राहु महाराज मिथुन राशि में वक्री होकर विराजमान रहते हैं हमेशा, और कर्क राशि में शुक्र देवता विराजमान है, सिंह राशि में सूर्य देवता विराजमान है, बुध देवता अपनी कन्या राशि में विराजमान है, बृहस्पति देवता वक्री होकर धनु राशि में केतु महाराज के वक्री होने के साथ साथ विराजमान है, शनिदेव महाराज वक्री होकर अपनी स्वयं की मकर राशि में विराजमान है। देखिए कितना अद्भुत संयोग है। वृष राशि में चंद्र देवता यानी अपने घर अपने उच्च के भाव में है, सूर्य देवता अपने खुद के घर में है, हर्षित हैं, कन्या राशि में बुध देवता हर्षित हैं, किंतु शनिदेव और वो मंगल देवता अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है। शनिदेव महाराज वक्री होकर अपनी राशि में विराजमान है, जबकि बृहस्पति देवता और केतु महाराज वक्री होकर यहाँ विराजमान है। तो यहाँ पर जो इनका जो फल है ना, कितना अजीब है, ऐसा शुभ संयोग बहुत कम देखने को मिलेगा कि एक साथ इतने ग्रह अपनी अपनी राशियों में विराजमान है। हालांकि इसमें से दो ग्रह यानी बृहस्पति और शनिदेव वक्री हैं, लेकिन है तो अपने ही घर में, अपने घर में तो आप कहते हैं ना, हर एक कोई आदमी शेर होता है, तो आशीर्वाद तो मिल ही जाएगा। खैर, इसके साथ साथ आप सभी लोगों से गुजारिश, गलती से भी कोई बुरा कर्म ना करें, क्योंकि यहाँ बैठकर ये जो ग्रह देवता है हमें अपने शुभ और अशुभ फलों से नवाजते हैं, जिसकी वजह से हमें उनके अच्छे और बुरे फलों का अनुभव होता है। अच्छे फलों के रूप में किसी बालक का जन्म करोड़पति फैमिली में, अरबपति फैमिली में जन्म होता है, सुख सुविधा से संपूर्ण तरीके से संपन्न होता है, और कोई व्यक्ति गरीब परिवार में, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार में, या किसी भिखारी के यहाँ जन्म लेता है, या कोई अपाहिज होकर जन्म लेता है, अंधा लंगड़ा लूला या विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित बच्चा जन्म लेता है, तो ये क्या है, हमारे कर्मों का ही तो फल है। उस समय तो आपने कोई कर्म किया नहीं, जन्म लिया है, तो ये कर्म जो मिले थे वो पिछले जन्म के जिन कर्मों का फल नहीं मिला वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। और हम समझते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, हम तो क्या नहीं कर सकते। अरे तुम, क्या बोलूं मैं, प्रभु की मर्जी के बिना इस संसार में, इस सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारी और तुम्हारी तो क्या हिम्मत है कि हम कुछ कर सकें। 100 बार सोचिएगा कोई भी बुरा कर्म करने से पहले, क्योंकि उसका दंड तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। और साथ ही क्या कहता है आज का पंचांग, आइए देखते हैं। आज है विक्रम संवत 2077। प्रभु से जो मिलने का समय निश्चित है वो है 8:35 से लेकर 9:11 सुबह प्रभु अपने द्वार को खोलेंगे सभी मनुष्यों, देवताओं और सभी प्राणियों के लिए। तो इस समय विशेष पर जो भी प्रभु को प्रणाम करेगा, जो भी प्रभु का स्मरण करेगा हृदय से, वो उनके आशीर्वाद का भागी होगा। आज है 9 सितंबर सन 2020, बुधवार का दिन है, सप्तमी तिथि है, अश्वन मास के कृष्ण पक्ष की हर्षण नामक योग और कृतिका नामक नक्षत्र का उदय हो रखा है। आज जो नेगेटिव एनर्जी विराजमान होगी वो 7:37 से लेकर 9:11 तक
सुबह के समय विराजमान रहेगी, जबकि राहु काल रहने वाला 12:58 से लेकर 1:52 तक। और आज का जो शुभ मुहूर्त है वो कोई नहीं है। और साथ ही आप सभी लोगों से अनुरोध कि आपकी वजह से आज मेरे यूट्यूब पर 15,35,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। साथ ही साथ यह यूट्यूब चैनल एक ऑथोराइज चैनल है, यूट्यूब का वेरीफाइड चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं। और ज्ञान की ये गंगा जो सनातन धर्म की बहती है ना, युग युगों से बह रही आ रही है। सतयुग में भी थी, त्रेता युग में भी थी, द्वापर युग में भी थी, और कलयुग में आज आप सभी के समक्ष भी बह रही है। आपके पूर्वज क्या करते थे, 100 जगह अच्छी बात सुन के आते, 1 जगह अच्छी बात सुनकर आते थे, 100 जगह उसका बखान करते थे, यानी उसका वर्णन करते थे, 100 लोगों को उसका ज्ञान देते थे। तो अब आपकी बारी है, ताकि ये सनातन धर्म किसी मुस्लिम आक्रांताओं के गुलाम ना बन सके। 900 साल की मुस्लिम गुलामी के पश्चात भी, आक्रांताओं की क्रूरता के बावजूद भी, हमारा सनातन धर्म हमारे धर्मस्थलों के नष्ट होने के बावजूद भी आज विश्व में ऊंचा मस्तक करके खड़ा हुआ है। तो सिर्फ आपकी बदौलत, आपके पूर्वजों की बदौलत। आप अपनी आहुति, हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, स्वामी मित्रों के साथ शेयर करके, चाहे इसे आप हमें हमारी गुरु दक्षिणा मानकर शेयर करें, मगर शेयर करना मत। तभी तो सनातन धर्म युग युगों तक जीवित रह सकेगा। और आप लोगों की बदौलत ही पूरी दुनिया से लोग चल चल कर हमारे यहाँ आते हैं। सिर्फ आप लोगों की बदौलत पूरी दुनिया के लोग खुद चलकर आते हैं, 2-2 महीने पहले अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, और सनातन धर्म की ओर आशा की दृष्टि से देखते हैं कि उनको मदद मिलेगी। सनातन धर्म हालांकि बहुत ज्यादा ढोंगियों और पाखंडियों के इस धर्म में घुस जाने के बावजूद, जो पता नहीं किस किस धर्म से आकर इस धर्म में बिना किसी ज्ञान के घुस गए हैं और इस सनातन धर्म का शोषण कर रहे हैं, किंतु आप जैसे जागृत लोगों के फलस्वरूप ये सनातन धर्म हमेशा अपना मस्तिष्क ऊंचा करके गौरवान्वित होकर आप लोगों का मान बढ़ाता रहेगा। तो इसे शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारे इस चैनल को। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूं आज के राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, मंगल देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आप इसका लाभ उठाइए। आपके राशि में बैठे हुए हैं, आपके बल में वृद्धि होगी, परिवारजनों की वजह से कोई यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, और निश्चित रूप से उसमें आपको ही लाभ होना लिखा हुआ है। भाई बहनों के साथ कुछ अड़चन आ सकती है, किंतु आपके परिवारजनों के साथ मिलकर, आपकी माता के साथ मिलकर वो सभी आपको लाभ पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता का आशीर्वाद निरंतर लेते रहें। और यहाँ पर जो स्टूडेंट है पढ़ाई लिखाई में मन लगा रहे हैं, उनके लिए कुछ शुभ सूचना है। उनको कोई जल्दी ही नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू, ट्रांसफर, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना प्राप्त होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। फिर भी जो स्टूडेंट निराश है, वो बिना किसी चीज के हमारे छोटे छोटे उपाय का सहारा लेकर, जो हम गारंटी वाले उपाय करते हैं उनका सहारा लेकर, गारंटी से अच्छे नंबर लाने के लिए हमसे मदद ले सकते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, कोई छुआछूत से संबंधित बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। और यहाँ जीवन साथी आपको भरपूर मदद करता हुआ नजर आ रहा है, आपकी माता के साथ मिलकर उनसे लाभ लेने का प्रयास करें। आपके भाग्य में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपके कार्यस्थल पर और आपकी आमदनी, इन तीनों जगह पर जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सोल्यूशन हम तो रोज रोज कोई उपाय करने की जगह यही समझेंगे कि आप इनसे संबंधित रत्नों की अंगूठियां मन से प्राण प्रति जागृत कराकर धारण करें। जब भी आपको किसी विशेष जगह पर लंबे समय की प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो आप उसका उपाय करें, आपकी परेशानी धीमे धीमे करके गायब हो जाएगी और आपको दोबारा लौट के नहीं आएगी। और यहां मैं बात कर रहा हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो आपके प्रेम संबंधों में इस समय खुशियां बरसने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। किंतु साथ ही उन लोगों के बारे में चर्चा करूंगा जिनके पास अपना खुद की दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन नहीं है। हर महीने के लोगों की आमदनी का मोटा हिस्सा इसमें खर्च हो जाता है, इसके किराए देने में। तो ऐसे सभी लोग अपना खुद का दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन, फैक्ट्री या अपना खुद का मकान खरीदने के लिए उनसे संबंधित ग्रहों को मजबूत कराएं, उन पर पड़ने वाली बुरी नजरों को कंट्रोल कराएं। ग्रहों की बुरी नजरों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और साथ ही आप कंट्रोल करें अपनी स्ट्रांगनेस, ताकि आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, जितने ज्यादा आप मजबूत होंगे, जितना ज्यादा भाग्यशाली होंगे, उतनी ही तो जल्दी आप खरीद पाएंगे। चाहे तो आप हमारी मदद ले सकते हैं और घर बैठे आपको ये मदद इन स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के द्वारा प्रदान की जा सकती है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्तियों, आपकी तो बल्ले ही बल्ले है, कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई सम्मान,
चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, निश्चित रूप से आपके कर्मों की वजह से आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर परिवारजनों के साथ कुछ उलझनों के बावजूद भी वो आपको मदद करने का, आपकी विशेषकर अगर स्टूडेंट है तो आपकी स्टडी में, अन्यथा आपको संतान की मसले में मदद करने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो आपके भाई बहन है उनके बारे में कहूंगा कि उनके साथ आपकी एक यात्रा की संभावना बनती नजर आ रही है। और नौकरी प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर मनचाहा, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या कोई कंप्यूटर एग्जाम में सफलता की कोई सूचना के बारे में आपकी माता आपको इन्फॉर्म करने जा रही हैं। माता का आशीर्वाद लेकर इस मौके को खाली ना जाने दें। पढ़ाई लिखाई में मन लगाने के लिए आप अपने परिवारजनों का जितना आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे निश्चित ही आपको लाभ होगा। किंतु फिर भी जो लोग कम नंबर लाते हैं या पढ़ाई लिखाई में जिनका मन नहीं लगता, वो हमारे गारंटी वाले उपाय का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हर साल ज्यादा नंबर ला सकते हैं, हमारी गारंटी है। और जो शादीशुदा व्यक्ति हैं वो अपने जीवन साथी से उलझने का प्रयास ना करें, अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखें, अन्यथा अनावश्यक रूप से परेशानी हो सकती है। आपके भाग्य का हालात ठीक नहीं है, एक्सीडेंट होने की संभावना भी कहीं बनती हुई नजर आ रही है। अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। और यहाँ पर बात करूंगा, कार्यस्थल के हालात भी आपके फेवर में नहीं है, भाग्य के हालात भी आपके फेवर में नहीं है। तो फिर वहीं पर मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूँ कि अपने आप को मजबूत करिए, अपने भाग्य को मजबूत करिए, कार्यस्थल आमंदी को मजबूत करिए, फिर दुख काय का होगा, मेजर परेशानियां तो आपकी निकल जाएंगी। इसलिए इनकी रतन वाली मंत्र से अंगूठियां धारण करिए। अगर आपको नहीं मिल पा रही तो हमारे यहाँ से घर बैठे मंगा सकते हैं अपने नाम से पूजा कराकर, और अपनी साइज के हिसाब से बनवा करो। ये सारी अंगूठियां जो है मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध की जाती हैं, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की जाती है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो अपने प्रेम संबंधों को निश्चित रूप से आप मजबूत करने में सफल हो सकेंगे। तो आप जो भी करेंगे प्रेम संबंधों के बारे में आपको सुविधा प्रदान करेगा, आपको लाभ प्रदान करेगा। किंतु जो लोग फिर भी निराश हो रहे हैं किसी कारण की वजह से, क्योंकि गलती से वो वृष राशि में अपना राशि फल देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय उनको करके अपने प्रेम संबंधों में खुशियां ला सकते हैं, उन्हें मजबूत कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी मना सकते हैं प्रेम संबंधों के रिगार्डिंग, शादी के रिगार्डिंग। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, कुछ उलझने हैं आपको परेशान कर सकती हैं, उनका ख्याल रखें। किसी विशेष काम से बाहर जाते समय, किसी शुभ काम से बाहर जाते समय एक मुट्ठी काले तिल लेकर घर से बाहर निकलकर अपने ऊपर से वार दें, पीछे की तरफ फेंक दें और वापस मुड़कर ना देखें। परिवारजन निश्चित रूप से आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, किंतु उनके साथ की जाने वाली यात्रा से आपको कोई फायदा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई बहन फुल टू फुल आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपका बाहुबल बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कोई सूचना देने, नौकरी प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, ट्रांसफर, इंटरव्यू में सफलता से संबंध, इस सूचना का लाभ उठाने का पूरा प्रयास करें। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है। और जो लोग अपना महान और अपना मकान और वाहन से संबंधित कोई डील करने जा रहे हैं वो कर डालिए, समय आपके फेवर का है, माता का आशीर्वाद दीजिए, कर डालिए। यहाँ पर बात करूंगा स्टूडेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अपने परिवारजनों का, कुटुंबजनों का साथ लेकर, उनसे गाइडेंस लेकर या उनका आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ हो और पढ़ाई लिखाई में आप अच्छा कुछ कर सकेंगे। फिर भी जो लोग निराश हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हमारे छोटे छोटे उपाय करके लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी से संबंधित। जिन युवक युवतियों की अभी तक शादी नहीं हुई है तो उनको उपाय करने चाहिए प्रॉपर तरीके से, ताकि वो एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त कर सके। कोई आधे अधूरे उपाय कि बृहस्पति देवता के व्रत कर लिए या केले के पेड़ का पूजन कर लिया या फिर पुखराज की अंगूठी पहन ली, ये उसी केस में लाभदायक हो सकता है जब केवल और केवल आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो। जब नॉर्मली हम देखते हैं तो 4-5 गिरे तो वैसे हिले पड़े होते हैं, लेकिन उस समय आपको हमें ये देखना होता है कि शादी में कौन अड़चन डाल रहा है, शादी में किसको मजबूत करना है और किसको कमजोर करना है, तो उस हिसाब से उपाय किए जाते हैं, तभी आपको एक खूबसूरत सा जीवन साथी मिलता है। अदरवाइज जानते हैं ना आप क्यों झगड़े होते हैं, क्यों दंगे फसाद होते हैं आपके घरों में। एनीवे, और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनको वार्निंग है कि अपने जीवन साथी का ख्याल रखें, उनके क्रोध का भाजन ना हो, क्योंकि आजकल जीवन साथी का क्रोध सातवें आसमान पर सवार है, तो उनसे झगड़ने लगड़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। कोई चोरी ठगी की घटना आपके साथ घट सकती है या कोई किसी की मृत्यु का समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, सावधान रहें, सतर्क रहें। भाग्य के हालात भी ठीक नहीं, कार्यस्थल के हालात भी ठीक नहीं है, यानी नौकरी या व्यापार जो भी आप करते हैं उसके हालात ठीक नहीं है, सावधान रहें, सतर्क रहें। गलती से भी
किसी सच्चे धर्मगुरु को अपमान ना करें। बृहस्पति देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। आधे लाइन का मंत्र होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं। 5 मिनट में माला हो जाती है, 15 मिनट में पूरा विधि विधान के साथ पूजा हो जाती है। स्वयं करनी है, किसी से करवानी नहीं है। आमंदी के हालात फिर भी ठीक बने रहेंगे, और आपके प्रेम संबंधों के बारे में बात करूंगा तो आपके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से आपके परिवारजन आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, बशर्ते आप लेना चाहें। अगर आप परिवारजनों से लाभ नहीं लेना चाहते तो फिर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की शरण में आकर आप सभी युवक युवतियों को छोटे छोटे उपाय करने पड़ेंगे, जो साल में 1 या 2 बार करने होते हैं, उनसे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। Namaste. My name is Kiran and I'm from South Africa. I'm actually a tarot reader in South Africa, and I also have been on the local TV programs and newspapers, and I will always visit India to visit Guru Rajneesh Rishiji. My experience with Guru Rajneesh Rishiji was when I was going through troubled times. This was way back in 2013. And I was searching online, and I've been to many of them, many spiritual leaders who I sought help from, but none of them came, could help me out. So I went online and started searching for somebody who's genuine and strong in the background of astrology. And that's when I came across Guru Rajneesh Rishiji's website, and he gave me everything in detail. And with his blessings, I was able to go forward. And afterwards, a lot of problems were solved. And whenever there's any issue that comes up, be it with me or my family, all I do is close my eyes and call upon him, and I meditate upon him, and he does appear in the dreams. And those signs and symbols that he gives you in the dreams actually help you to move forward in life. Using his gem rings actually bring about a lot of positivity in your life, and it enhances your life in every aspect. Not only does he tell you to use the gem rings, but he also gives you other remedies as well. And together with the blessings of Guru Maharaj Rukmaniji, I also was able to go forward. And also at Shani Peet, there's a lot of strength and power that comes out from the pujas that happen. Because even with the Navgraha Shanti Puja that I performed with Guruji and Guru Ma, it actually changed life a lot for me, because it brought about a whole lot of new beginnings, new understandings, and also it brings about a whole lot of light in life. So I would recommend visiting Shani Peet at any point in time, because it's a place that you will definitely get genuine help. यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो समय चल रहा है वो निश्चित रूप से उनका मन जो है विपरीत सेक्स की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो रहा है। फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट, नौकरी प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, मनचाहा ट्रांसफर या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना प्राप्त हो सकती है। भाई बहन फुल टू फुल आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। माता निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा आशीर्वाद दे रही है। माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, तो स्टूडेंट्स इस समय अपना करियर बनाने के लिए बिल्कुल तेजी से वर्कआउट करें, बिल्कुल करियर के नजदीक ही खड़े हुए हैं। आपका प्रयास आपको लाभ देगा। पिताश्री के शिक्षणों का आशीर्वाद लेकर जो कुछ भी करेंगे करियर के नाम पर आपके काम में आएगा। और यहाँ पर जो युवक युवतियां शादीशुदा नहीं है वो प्रॉपर तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय जो साल में 1 या 2 बार करने होते हैं, कोई रोज रोज के झगड़े नहीं है, उन उपायों को करके एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त कर सकते। अन्यथा तो कोई टेढ़ा मेढ़ा मिल गया तो जिंदगी नरक बन जाएगी। मगर उपाय प्रॉपर करने हैं, आधे अधूरे उपाय करके लटकना नहीं है। जैसे कि बृहस्पति देवता की व्रत कर लो, शादी हो जाएगी। ऐसे उपाय से शादियां नहीं हुआ करती हैं। 1-2% लोगों को, 2-4% लोगों को या 5-10% लोगों को लाभ तो हो सकता है, अधिक को नहीं। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ वो शादीशुदा लोग हैं, अपने जीवन साथी तो हिटलर कर्क राशि वाले व्यक्तियों का तो सावधान रहे। और जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी मनसित कराकर पहने, आपको अवश्य जीवन साथी से संबंधित लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपका रोना कम हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियां आने लगेंगी। और यहाँ भाग्य की बात करता हूँ तो भाग्य के हालात बिल्कुल खड्डे में गड्ढे में चले गए हैं। हाँ, कार्य यानी नौकरी या व्यापार जो भी आप करते हैं वो आपको फायदा दे रहा है। आमदनी के सिलसिले में यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ आपको अपने आप को मजबूत करना जरूरी है। जीवन साथी के बारे में अपने स्वयं के ग्रह को मजबूत करना है, अपने भाग्य को मजबूत करना है,
तभी तो आप जिंदगी में बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना हंस के और खुश होकर कर सकेंगे और उनसे कुछ जीत सकेंगे। तो इनसे संबंधित रत्नों की अंगूठिया धारण करें, एक ही बार करनी होती है 3 साल में, हर 3 साल बाद बदलते रहिए। असली रत्न की बात कर रहा हूँ, उप रत्न की अंगूठिया 1 साल चलेंगी, लेकिन खाली मोती ऐसा है जो आपको धारण करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मोती वो 2 साल चलते, बशर्ते ये सभी प्रॉपरली मंत्र सिद्ध हो तभी आपको फायदा करेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भयंकर एस्ट्रोलॉजर पैदा हो गए हैं कि इतने गलत सजेशन दे देते हैं कि वो मुख्यमंत्रियों तक को गलत अंगूठियां पहना देते हैं। आप सोच सकते हैं कि फिर आप जैसे और हम जैसे आम आदमियों का क्या होगा। खैर, यहाँ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों की और आपकी चिंता और फिक्र की। तो आपका जो प्रेम संबंध है आपके करियर को बनाने में निश्चित रूप से आपकी हेल्प करना चाहते हैं, उनकी हेल्प लेकर आगे बढ़िए। और यहाँ बात करना चाहता हूँ उन लोगों को जो प्रेम संबंध में निराश हैं, ऐसे सभी युवक युवतियां वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके, जिसमें आपको बकरे की मुर्गे की उल्लू की बलि नहीं देनी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटे से उपाय जो साल में 1 या 2 बार करके आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जिनके पास अपना ऑफिस नहीं हो, तो अपना ऑफिस या कोई भी कार्यस्थल जो भी जिस पर यहाँ भी आप कार्य करते हैं अपना नहीं है, तो आप कोशिश करिए, आप बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, समर्थ हैं, इस समय पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जिनको ऐसा नहीं है दूर दूर तक, तो वो हमारी सहायता लें, हम उनके उन गृहों को मजबूत कर निश्चित ही आपको उस तरफ डाइवर्ट करेंगे जहां आप अपना मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन, जो भी आप खरीदना चाहते हैं खरीदने की तरफ तेजी से आगे बढ़ सके। यहां पर बात करना चाहता हूं आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो आपके स्वास्थ्य के हालात ठीक नहीं है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपका जरूरी कर्तव्य में शामिल हो जाता है। शत्रुओं से भी सावधान रहने का पूरा प्रयास करिएगा। बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, गुड न्यूज आपके लिए ही है ये कि नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या कोई कंप्यूटर एग्जाम में सफलता की सूचना आपके आसपास घूम रही है। सूचना को मैच्योर करिए, खाली मत जाने दीजिएगा। परिवारजन फुल टू फुल आपकी हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, भाई बहनों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और उनके ऊपर कुछ खर्चा भी करना पड़ सकता है, कोई बात नहीं, मैनेज इट। और विशेषकर स्त्रियों के ऊपर आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, तो आप सावधान रह सकते हैं। यहाँ पर माता का जो आशीर्वाद है आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि कर रहा है, इससे अच्छा अवसर क्या मिलेगा। किंतु जो स्टूडेंट उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है, सावधान है, तो कैसे करियर बनेगा, हम तो बात इतनी बड़ी बड़ी कर गए। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, निराश होते हैं, तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि अगर बार बार असफल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जाए या चेक किया जाए कि आपको सरकारी नौकरी का योग कितना मजबूत है। अगर नहीं है तो उसे मजबूत कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको हमें कुंडली दिखानी ही पड़ेगी। यहाँ पर कुछ शत्रु आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सावधान रहें, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। भाग्य के हालात निश्चित रूप से माता के आशीर्वाद से बनते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान जी के चरणों से तिलक उठाकर अपने माथे पर लगाएंगे तो और अधिक लाभ होगा। और बात करेंगे कार्यस्थल की, तो निश्चित रूप से कार्य, नौकरी या प्रमोशन, व्यापार जो भी आप करते हैं उसकी वजह से एक यात्रा की संभावना बनती नजर आ रही है, आपका मान सम्मान होता हुआ नजर आ रहा है उस सिलसिले में। किंतु आमदनी में कुछ अड़चन हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अपने परिवारजनों की सलाह लेकर काम करेंगे तो निश्चित ही आमदनी में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर फिर भी कहीं ना कहीं किसी वजह से कोई परेशानी आ सकती है, तो उसके लिए पहले ही आप उपाय करके रखें। और यहाँ पर बात करता हूँ आपके प्रेम संबंधों में, तो भारी निराशा का आपको सामना करना पड़ा, तो उन संबंधों को सावधानी पूर्वक निभाने का प्रयास करें। अगर सभी युवक युवतियां जिनको प्रेम संबंधों में परेशानी आ रही, बिना किसी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर आप हेल्प ले सकते हैं, साल में 1-2 बार कुछ छोटे छोटे उपाय करके आपको लाभ मिल सकता है। और यहां मैं बात करूंगा उन दंपतियों के बारे में जिनके पास संतान नहीं है, डॉक्टरों की दवा खा खाकर सालों गुजर गए, संतान नहीं हुई, तो अब आपकी जरूरत जो है वो है कि आप अपनी जन्म कुंडली, और जन्म कुंडली नहीं तो चेहरा और प्रश्न कुंडली के माध्यम से संतान प्राप्ति का जो भगवान ने आपकी जन्म कुंडली में लिखा है ना, वो योग तलाशा जाए और उसको मजबूत किया जाए, ताकि आप शीघ्र शीघ्र संतान प्राप्त कर सकें। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली हमें दिखा सकते हैं, हम आपकी निश्चित रूप से मदद करने का दिल से प्रयास करेंगे। बाकी तो, और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्तियों, समय तो आपके लिए भी अच्छा, आपको आशीर्वाद मिला हुआ, आपके बुद्ध देवता आपकी राशि में आकर बैठ गए, तो बल्ले बल्ले तो आपकी होनी है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ परिवारजनों की, तो परिवारजन निश्चित रूप से इस समय आपकी आमदनी में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई बहनों की बात करता हूँ तो भाई बहन निश्चित वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी अड़चन हो सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें, उनसे झगड़ा करने का प्रयास ना करें, अल्टीमेटली तो वो आपके बाहुबल हैं। नाराज है तो कोई बात नहीं, मनाने का प्रयास करिएगा, उनकी शुभकामनाएं लेने का प्रयास करिएगा। माता भी ठीक नहीं है, माता को भी मनाइएगा, जीवन साथी को भी मनाइएगा, यहाँ पर भी अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है, स्टूडेंट्स भी ध्यान रखें, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो क्या कोई
भुट्टे भुनने की दुकान खोलने का विचार है, अरे कैरियर का सवाल है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पढ़ाई लिखाई करना, फिर भी माता पिता देर ध्यान दें कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई में तो आप हमारी सहायता लीजिए, हम गारंटी वाला उपाय करेंगे जो साल में एक बार करना होता है, आपके बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में भी लगेगा, हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे, हमारी गारंटी है। जीवन साथी को मनाने का प्रयास करिए, उनको रूठने मत दीजिएगा, उनकी नाराजगी आपको भारी पड़ सकती है, और यहाँ पर किसी एक्सीडेंट या चोट की संभावना को से सेफ्टी करके चलें, अपनी वाहन चलाते समय या वाहन में बैठते समय यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, भाग्य आपको कह रहा है या यात्रा की तरफ ले जाना चाहता है, कार्यस्थल पर को उलझने आ सकती है, किंतु आपका मजबूत होना आपके कार्यस्थल पर यानी नौकरी या व्यापार दोनों ही जगह आपको मदद करेगा, आमदनी के हालात निश्चित रूप से आपको मदद पहुंचाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो उस सबका लाभ उठाकर आप आगे बढ़ सकते हैं, भाग्य निश्चित रूप से आपकी आमदनी को में वृद्धि करना चाहता है, किंतु सरकार की तरफ से सावधान रहिए, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बिल वगैरह ज्यादा आ सकते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि वाले व्यक्ति, आपके प्रेम संबंधों में निराशा आ रही है, तो ऐसे सभी युवक युवतियां अपनी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, चाहे लड़ाई झगड़ों की हो, चाहे शादी ना हो पानी की हो, या घर वाले नहीं मान रहे हो, इनको दूर करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय, इसमें कोई पूजा पाठ के नाम पर किसी ढोंगी पाखंडी का प्रपंच नहीं करना है, तो वो आपको लाखों रुपए लूट रहा है, जिसे सनातन धर्म की एबीसी नहीं पता, पता नहीं किस धर्म का व्यक्ति है, और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, साइंस की छोटी छोटी ट्रिक का सहारा लेकर आपको बेवकूफ बना रहा है, कि मतलब एक हड़िया में पानी भर देता है, आपसे कहता है ये राख डाल दो, राख में मिला होता है पोटेशियम, पोटेशियम जैसे ही पहिया सोडियम पानी के संपर्क में आएगा आग लगती है, देखने में सोडियम रबड़ का और रबड़ जो रबड़ का छोटा छोटा टुकड़े मान लीजिए, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, राख में मिला दीजिए, डाल दीजिए, पानी में आग लग जाएगी, ऐसी ट्रिक्स दिखा के आपको बेवकूफ बना रहा है, बकरों की बलि, मुर्गों की बलि की बात करता है, उल्लू की बलि की बात करता है, ऐसे सभी दुष्टों से सावधान रहें, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में एक दो बार करने हो तो उनका सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो बातें जो मैंने आपसे कही थी कि आप लोगों को अपने घर के या कार्यस्थल के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले उन लोगों की बात करता हूं जिनका भाग्यांक एक है, ऐसे व्यक्ति बरकत के लिए अपने धन धान्य सुख शांति सौभाग्य और समृद्धि के लिए क्या करें, तो जिन व्यक्तियों का भाग्यांक एक है अगर वो लाइट पिंक कलर के पर्दे अपने शयन कक्ष में इस्तेमाल करेंगे तो उनको निश्चित रूप से लाभ होना चाहिए। भाग्यांक दो वाले व्यक्ति अगर सफेद रंग के पर्दों का इस्तेमाल अपने शयन कक्ष के लिए करेंगे तो उनको अवश्य ही लाभ होगा। भाग्यांक तीन वाले व्यक्ति अगर हल्के पीले कलर के पर्दों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से उनके सुख शांति और सौभाग्य में वृद्धि होगी। अगर भाग्यांक चार वाले व्यक्ति वास्तु दोष को दूर करने के लिए नीले रंग के पर्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उनको अवश्य लाभ होगा, या ग्रे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग्यांक पांच वाले व्यक्ति अगर हरे रंग के पर्दों का या खाकी रंग के पर्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उनको अवश्य लाभ होगा। मैं दोबारा से आपको समझाता हूं कि अगर आप अपने शयन कक्ष के पर्दों को जो मैंने रंग बताए उनके अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। तो प्रिय भक्तगणों, जब जब आपको कोई समस्या होती है मैं हमेशा आपके साथ खड़ा होता हूं, और आप ही के साथ ही नहीं, 133 देशों से संबंधित लोग, 133 देशों में रहने वाले लोग समय समय पर मुझसे संपर्क स्थापित करते हैं, मुझसे मिलने आते हैं, कोई गुरु दीक्षा के लिए आ रहा है, कोई अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए आ रहा है, कोई विदेशी यज्ञों को कराने के लिए आ रहा है। आज भी अगर मैं कहूं तो हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका से किसी विदेशी व्यक्ति का यज्ञ चल रहा है, इस कोरोना काल में भी चल रहा है। वैसे वो व्यक्ति हर साल आता था और यहाँ पर हमारे यहाँ 10 यज्ञ कराता था, किंतु इस वर्ष कोरोना की वजह से वो यहाँ नहीं आ सका है। तो आप अगर अपने सनातन धर्म का जितना प्रचार प्रसार करेंगे तो आप ही को अल्टीमेटली लाभ दिलाएगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। अगर विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आएगा तो ये टूरिज्म होगा ना, तो निश्चित रूप से खाली हमारे पास तो आएगा नहीं, तो घूमेगा फिरेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो टूरिज्म की दृष्टि से हमारे देश को फायदा होगा। विदेशी मुद्रा आएगी, जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है ना, ऐसे ही नहीं पड़ जाता, चाहे आप स्कूटी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसके लिए विदेशी मुद्रा चाहिए होती है, बिना विदेशी मुद्रा के पेट्रोल नहीं आता, तो वो पेट्रोल लाने का साधन भी तो होना चाहिए ना। तो हम जैसे और बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं, हम सर्विसेज देते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स भी हम यूज करते हैं, रिंग्स वगैरह हम भी पूरी दुनिया में भेजते हैं,
तो इस तरीके से विदेशी मुद्रा लाने में देश के मजबूत करने में मदद करते हैं। आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, यहाँ पर देखिए आपका जो परिवारजन है निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। भाई बहनों के साथ अड़चन आ सकती है, किंतु आप उलझने का प्रयास न करें, उनकी नाराजगी का भाजन न बने, सावधानी से उनको मनाने का प्रयास करें। बृहस्पति देवता की तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला इसमें लाभ दे सकती है आपको। और गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करना आपको बेहद हानिकारक होगा, आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य को नष्ट कर देने वाला होगा। माता के साथ भी अड़चन आ सकती है, पढ़ाई लिखाई में भी अड़चन आ सकती है, तो माता के साथ झगड़ा करने का प्रयास ना करें, उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें खुश करने का प्रयास करें। यहाँ पर जीवन साथी आपको भरपूर मदद करता हुआ नजर आ रहा है, किंतु एक व्यर्थ की यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और भाग्य के हालातों में थोड़ी सी उलझने हो सकती है, वहां पर आप भाग्य के लिए आप मंदिर में जाकर आप क्या करिएगा, एक काला नीला कंबल दान करिएगा, भगवान शिव के पास रख के आइएगा। शनिवार के दिन शाम के समय आपको अवश्य लाभ होगा। यहाँ पर बात करता हूँ अपने आप को मजबूत करने के लिए, आप सदैव अपने राशि रतन की, अपने भाग्य के रतन की, अपनी आमदनी के रतन की अंगूठी मन से प्राण प्रति जागृत कराकर पहनेंगे, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते जाएंगे जीवन में। पीछे वाले पीछे रह जाएंगे, मगर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, और बड़ी से बड़ी परेशानी इतना छोटा करके आएंगे कि आप उन्हें मैनेज कर सकेंगे। और यहाँ पर निश्चित रूप से आपको एक लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट, मनचाहा ट्रांसफर, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट मिलने की पूरी संभावना है। इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करिए। गलती से भी लड़कियों से झगड़ने का प्रयास ना करें, आपको हानि हो जाएगी। वैसे भी आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा है, तो सावधान है, सतर्क रहें। और आपके प्रेम संबंधों में भी निराशा छाई हुई है, फिर भी अपनी माता का सहारा लेकर अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हमारे बताए हुए छोटे छोटे उपाय करके आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ उन व्यक्तियों की जिनके पास अपना मकान नहीं है। हर महीने मकान मालिक आता है, धमका के चला जाता है, या तो किराया बढ़ा दो या मकान खाली करो। तो ऐसे सभी व्यक्ति वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके उन ग्रहों को मजबूत करें जो मकान के कारक हैं, या उन ग्रहों को ठीक करें जिनकी बुरी दृष्टि मकान वाले ग्रह पर पड़ रही है। अपने आप को, अपने भाग्य को मजबूत करेंगे तो क्यों नहीं आप मकान खरीद पाएंगे। आइए, हम आप तैयार हैं आपको मदद देने के लिए। अभी पूसा इंस्टीट्यूट में काम करने वाले एक ऐसे व्यक्ति को मकान दिलवाया जिसके पास मात्र 1.5 लाख रुपए थे, मगर उसके ग्रहों में बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को ठीक करते ही मात्र 6-7 महीने के अंदर उसने पटेल नगर दिल्ली जैसे क्षेत्र में 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा। पता नहीं भगवान कैसे कैसे किसको मदद कर देते हैं। कई बार तो हमें भी आश्चर्य होता है कि परमपिता परमात्मा ने क्या कृपा दृष्टि बरसाई है कि अगर हम किसी को मिट्टी भी उठाकर उसके माथे पर तिलक कर देते हैं मंत्रों के साथ, तो उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ मैं बात कर रहा था वृश्चिक राशि वाली व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, यहाँ पर देखिए आपका अपना स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, समय ठीक नहीं है आपके साथ। साथ ही साथ गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करना आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य को नष्ट कर देगा। ये सभी राशि वालों के लिए बात करते हैं। परिवारजनों के साथ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उनसे अटकने का प्रयास मत करिएगा। भाई बहनों के साथ और माता, इन दोनों के साथ भी अटकने का प्रयास मत करिएगा। पढ़ाई लिखाई में तो मन लगेगा ही नहीं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, हमारे गारंटी वाले उपाय करें वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, जिसकी वजह से आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी लगने लगेगा। पहले हर साल पहले से ज्यादा नंबर लाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं, आप लिखवा लीजिएगा हमसे। और यहाँ मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। जीवन साथी की वजह से कोई यात्रा करने की संभावना मिल सकती है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको नेम और फेम दोनों मिले। और यहाँ पर बात करता हूँ ससुराल पर से कुछ अड़चनें आकर खड़ी हो सकती हैं, फिर भी भाग्य में आपका जीवन साथी भरपूर मदद करता हुआ नजर आ रहा है, तो प्रभु के दर्शन करके माता लक्ष्मी को प्रणाम करना मत भूलिएगा। भाग्य में आपकी वृद्धि होगी और अधिक वृद्धि होगी। यहाँ पर कार्यस्थल पर यानी नौकरी या व्यापार जो भी आप करते हैं, शुभ सूचना नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट इंटरव्यू में सफलता की सूचना आपके आसपास घूम रही है, तो इस सफलता को ग्रैब पकड़ने का कोशिश करें, ये फिसल ना जाए। आमदनी के हालात भी आपके लिए बढ़िया है, और जहां जहां आप कमजोर हैं, जैसे आप खुद ही कमजोर हैं, तो फिर मतलब ये सब चीजें मिलेंगी कैसे। तो आप अपने आप को सदैव मंत्र से प्राण प्रति जागृत कराकर उससे संबंधित रतन की अंगूठी, अपने भाग्य की रतन की अंगूठी, अपनी आमदनी से संबंधित रतन की अंगूठी हमेशा धारण करें, ताकि आपको बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से पार पा सके और आप निरंतर तरक्की करते रहें। घर बैठे इन अंगूठियों को आप हमारे यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध कराकर, पूजा कराकर, अपने नाम से। यहाँ प्रेम संबंधों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो
वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को प्रेम संबंधों में परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है, तो अपने प्रेम संबंधों में सुधार लाने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके वो लाभ उठा सकते हैं, जरूरी भी है। यहाँ पर धनु राशि के व्यक्तियों के बारे में बात करूं तो धनु राशि वाले व्यक्तियों अपने गुस्से पर नियंत्रण करना, मैं लगातार कह रहा हूँ जब तक ये ग्रह खराब रहेगा मैं आपको लगातार याद दिलाता रहूंगा, अधिक क्रोध मत होइएगा, तोड़फोड़ मत करिएगा, तोड़फोड़ में आप ही का हित होता है, किसी और का नहीं होता, क्योंकि जो भी सामान आप तोड़ेंगे फोड़ेंगे आप ही को दोबारा खरीद के लाके देना पड़ेगा। यहाँ पर परिवारजनों का व्यवहार भी आपसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, भाई बहनों के साथ भी अड़चन आ सकती है, माता के साथ भी अड़चन हो सकती है, किंतु पढ़ाई लिखाई में निश्चित रूप से आपको मदद मिलेगी। जो स्टूडेंट है वो मेहनत लगाकर मेहनत करके पढ़े, निश्चित रूप से वो जो कुछ भी वो इस जिंदगी में पढ़ेंगे वो उनके काम आएगा, उनके करियर को बनाने में काम आएगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, सांस से संबंधित या यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जीवन साथी के साथ भी कुछ अड़चन आ सकती है, फिर भी आपका जीवन साथी आपके नौकरी पर या आपके व्यापार में आपकी भरपूर मदद करता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं बात करूंगा आपको राहु महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की, एक मालूम केतु महाराज के तांत्रिक एक बीज मंत्र के मालूम, निरंतर करिए आप विधि विधान के साथ, 15-20 मिनट लगते हैं कुल मिला के करने में, आप ही को लाभ होगा। विधि विधान चाहे तो आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। यहाँ पर बात करूंगा बदनामी से बचने का प्रयास करिएगा, और एक खुशखबरी भी अवश्य देनी चाहिए, एक तो नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट मनचाहा ट्रांसफर, सरकार से कोई बेनिफिट या इंटरव्यू में सफलता या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना प्राप्त हो सकती है। कार्यस्थल पर भी आपके हालात तरक्की वाले हैं, चाहे नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, आपको लाभ होगा, किंतु आमदनी के हालात अच्छे नहीं, आमदनी गड्ढे में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आप अपने राशि रतन की, भाग्य के रतन की, आमदनी के रतन की अंगूठी आप हमेशा धारण करके रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर बात करूंगा इन अंगूठियों को आप हमारे यहाँ से भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में तो निश्चित रूप से आपको प्रेम संबंधों में मदद मिलती हुई नजर आ रही है, आपके प्रेम संबंध में खुशहाली दिखाई दे रही है। किंतु जो लोग निराश है, जो गलती से धनु राशि में अपना राशिफल देखते हैं, तो ऐसे सभी व्यक्ति वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय जो साल में 1-2 बार करने हो तो उनको करके अपने प्रेम संबंधों में खुशहाली ला सकते हैं। बात कर रहा हूँ धनु राशि की, अब बात करना चाहता हूँ मैं मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों आपको जैसे कि लगातार सजेशन देता हूँ आपको क्या चाहिए, देखो एक तो राशि रतन की अंगूठी पहन लो यानी नीलम, एक पहन लो पन्ने की अंगूठी, एक पहन लो आमदनी की अंगूठी यानी मंगल देवता की अंगूठी। ये तीनों अंगूठी अगर मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा से जागृत है, ओरिजिनल है, 3 साल तक आपको परेशानियों का धीमे धीमे दूर करती रहेगी, 3 साल बाद फिर नहीं बनवा के पहनने हमारे यहाँ से घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। परिवारजन आपको साथ देने का प्रयास कर रहे हैं, भाई बहनों की बात करें वहां कुछ अड़चन आ सकती है, सावधान रहे, सतर्क रहे, उनकी वजह से कुछ खर्चा भी करना पड़ सकता है। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, माता बहुत लाभ पहुंचा रही है आपको, और पढ़ाई लिखाई की वजह से स्टूडेंट्स को कहीं जाने की संभावना नजर आ रही है, तो पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें सभी स्टूडेंट, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे करियर नहीं बनाएंगे। हालांकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली है इन दिनों, समझ रहे ना, तो आप ध्यान पूर्वक करिए जो कुछ भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा, और उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो प्रेम संबंधों में डूबे हुए हैं, तो मौके पर चौका मार दो ना, आपकी शादी अपने प्रेम संबंधों से हो सकती है, जरूरत है मौके पर चौका मारने की। मकर राशि वालों शादी की संभावना बनती है अपने प्रेमी से आपकी, और आपकी बात करता हूँ एक अच्छा चांस बना हुआ है अपने प्रेम संबंधों को शादी में कन्वर्ट करने का। फिर भी जो लोग प्रेम संबंधों को लेकर निराश है वो हमारे सुझाव ले सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाकर और लाभ उठा सकते हैं छोटे छोटे उपाय से जो साल में 1-2 बार करने होते हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से मतलब कह सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, फिर भी आपका आपके ग्रह जो है आपकी ससुराल वालों को लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अवश्य लाभ होगा इन दिनों आपके ग्रहों की वजह से। यहाँ पर बात करता हूँ आपका भाग्य फुल टू फुल आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कार्यस्थल की बात करूं तो कार्यस्थल पर जीवन साथी भरपूर मदद दे सकता है आपको, उनकी मदद लेकर लाभ उठाने का प्रयास करिएगा, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करते हैं आमदनी की तो माता का आशीर्वाद लेते रहिए, आमदनी में वृद्धि होगी, पिताश्री के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर आप नौकरी और व्यापार पर जाया करें, हमेशा लाभ होगा। गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करना आपको बेहद हानिकारक हो सकता है। आप सभी लोगों को चाहे किसी भी राशि के क्यों ना हो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी लोगों के जो मकर राशि के हैं कि आपको एक मकान की संभावना बनती है या वाहन की संभावना बन रही है, तो इस संभावना को मैच्योर करें। जो लोग अभी तक अपना मकान दुकान ऑफिस शोरूम गोडाउन फैक्ट्री या कार्यस्थल नहीं प्राप्त कर सके हैं, खरीदना चाहते हैं मगर समर्थ नहीं हो पा रहे, वो अपने ग्रहों को मजबूत करें। आपके ग्रह अगर मजबूत हो गए
सही तरीके से, तो क्यों नहीं मिलेगा आपको मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन, जो भी आप खरीदना चाहते चाहे तो आप हमारी मदद लीजिए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इस कार्य में मदद कर सकें। यहाँ मैं बात करना चाहूंगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों की। देखो कुंभ राशि वाले व्यक्तियों में पहले भी कहता रहा हूं, आपको आज फिर कह रहा हूं, आपको क्या चाहिए? देखो एक तो नीलम की अंगूठी पहनो, एक पहनो भाग्य से संबंधित हीरे की या उसके अपरतन की अंगूठी, ओपल नहीं पहनना है। ओपल को हमने बहुत कम लोगों को फायदा देता हुआ देखा है और ओपल को मंत्र सिद्ध करना भी इतना आसान नहीं है। तो और तीसरा पहनो आमदनी से संबंधित। चौथा आपको चाहिए अपने जीवन साथी से संबंधित, आपके जीवन में आराम आ जाएगा। ये अंगूठी अगर मन से पांच प्रतिशत जागृत है, असली है तो 3 साल तक काम करेंगे, उपरतन की है तो 1 साल तक काम करेंगे, उसके अंदर ही बनवा के पहन लीजिएगा। परिवारजनों के साथ कुछ अड़चन आ सकती है, सावधान रहें, सतर्क रहें, उनकी सलाह मानेंगे तो आपको कोई आमदनी में नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर भाई बहन फुल टू फुल सपोर्ट कर रहे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके बाहुबल बनकर मदद पहुंचा रहे हैं, माता का आशीर्वाद आपको नाम और सम्मान दिलाता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई में अड़चन आती हुई नजर आ रही है, ऐसे सभी स्टूडेंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय का सहारा लेकर लाभ उठा सकते हैं। हम गारंटी देते हैं, लिख के दे देंगे आपको कि हमारे उपायों से आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, जीवन साथी निश्चित रूप से आपको फुल टू फुल सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, आपको आगे बढ़ाने में। तो आप अपने जीवन साथी जो आपको नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, इंटरव्यू में सफलता, कोई सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट या कोई कंप्यूटर एग्जाम में सफलता की सूचना दे रहा है, तो यह आपको खुश करने वाली सूचना, इसका लाभ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यहां मैं बात करना चाहता हूं कुछ अड़चनों की, तो उन अड़चनों को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप किसी स्त्री से मत झगड़िएगा, लड़की से मत झगड़िएगा स्पेशली। फिर भी आप अगर वो जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनका आशीर्वाद लेकर जहां भी संभव हो उनसे आशीर्वाद लें, सिर पर हाथ फिरवाएं, उनसे आशीर्वाद लें, छोटी बच्चियों से आशीर्वाद लें, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपके भाग्य की, तो भाग्य के जो हालात है वो निश्चित रूप से खराब है, इसीलिए मैंने भाग्य को मजबूत करने की बात कही थी। क्या पहले भाग्य को मजबूत, कार्यस्थल की बात करूं तो कार्यस्थल पर निश्चित रूप से आपके भाई बहन आपको मदद करेंगे, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनकी सलाह आपको फायदा देगी। उनकी सलाह मानकर अपने कार्यस्थल पर या नौकरी जहां भी आप जो भी करते हैं उसमें चेंज लाने का प्रयास करें। आमदनी के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए हमने पहले आपको बताया था, गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करना आपको बेहद नुकसानदायक हो। जिन लोगों को शादी के लिए चांस बनता हुआ नजर आ रहा है, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई, वो छोटा सा प्रयास करेंगे तो उनकी शादी की संभावना बनी हुई है कुंभ राशि वालों। फिर भी अगर किसी को शादी में अड़चन आ रही है तो प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके लाभ उठाएं, कोई आधे अधूरे उपायों से लाभ नहीं मिलेगा, एक खूबसूरत सा जीवन साथी नहीं मिलेगा। तो आप सही दिशा में सही प्रयास करें, किसी ज्ञानी विद्वान व्यक्ति को ही अपनी जन्मकुंडली दिखाकर उससे उपाय जानने का प्रयास करें, चाहे तो हमारी मदद भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उन निसंतान दंपतियों की साथ के साथ, जो सालों से डॉक्टरों का इलाज करा रहे मगर संतान नहीं हो रही है, तो ऐसे सभी दंपत्ति अपनी जन्मकुंडली दिखाकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करें। अगर भगवान ने आपकी जन्मकुंडली में थोड़ा सा भी योग बनाया संतान प्राप्ति का, तो आपको अवश्य संतान प्राप्ति की दिशा में ले जाया जा सकता है। यहाँ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों में, तो कुंभ राशि वाले व्यक्ति आपको प्रेम संबंधों में अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, उस अड़चन को सभी युवक युवतियां दूर करने का प्रयास करें। इसके लिए आपको कोई बकरे की, मुर्गे की, उल्लू की बलि के नाम पर किसी ढोंगी के द्वारा उल्लू नहीं बनना है, किसी पाखंडी के जाल में नहीं फंसना है। कोई इंद्रजाल के नाम पर बेवकूफ बनाता है तो कोई सियार सिंगी के नाम पर, कोई उल्लू पकड़ के लाने की बात कहता है तो कोई बकरी की बलि देने की बात करता है, तो कोई मुर्गों की बलि दिलवाता है। क्या बेवकूफी बनाने का धंधा खोल रखा है, और वो भी ऐसे पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि मुझे तो शर्मिंदगी होती है कि हम लोगों की अकल कहाँ घास चढ़ने चली गई है। हम ऐसे ढोंगी और पाखंडी को 5-5, 6-6 लाख रुपए दे आते हैं धीमे धीमे करके। सावधान रहिए ऐसे दुष्टों से, गलती से भी किसी की जमानत नहीं लेनी है, झूठी या झूठी गवाही नहीं देनी है, आप परेशानी में फंस जाएंगे, कोर्ट कचहरी से दूर रहने का प्रयास करिएगा। और अपने प्रेम संबंधों में जो अड़चन आ रही है उसको दूर करने का प्रयास करिएगा। बात करूंगा मैं मीन राशि वाले व्यक्तियों की, तो मीन राशि वाले व्यक्तियों आपका समय थोड़ा सा अभी ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी शायद नजदीक में ही वो ठीक होने वाला है। बहुत नजदीक वो दिन आ गए हैं जब आपके निश्चित रूप से लाभ आए होगा, परिवारजन भरपूर आपको मदद देते हुए नजर आ रहे हैं, भाई बहनों की वजह से यात्रा की संभावना है जिससे आपको मान सम्मान बढ़ेगा, ऐसी संभावना नजर आ रही है। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद देने की प्रयास करिएगा, हालांकि कुछ उलझने आपको परेशान कर सकती है मगर जीवन साथी भरपूर मदद कर रहा है इस केस में आपकी, तो उनका सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं अपना फोकस पढ़ाई लिखाई पर करें, मन को भटकाने का प्रयास न करें, कोई यात्रा की संभावना भाई बहनों के साथ बन सकती है। जो
स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको दिखाई दे रही है तो वो लंग्स के इन्फेक्शन की है, सावधान रहें। और कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर सकता है, उसका भी ध्यान रखिएगा। वो आपके घर पर या आपके कार्यस्थल पर, चाहे नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं, तो कुछ तांत्रिक क्रिया करके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है कभी। तो ऐसे दुश्मनों से सावधान रहिए, अन्यथा आपको भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। आप चाहें तो ऐसे दुश्मनों को बांधने के लिए आप हमारी सहायता ले सकते हैं, ताकि वो आपको कम से कम नुकसान तो ना पहुंचा सके। हम ऐसे उपाय घर बैठे भी आपके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर बात करूंगा, आपके जीवन साथी भरपूर आपके मदद देता हुआ नजर आ रहा है, उनसे हेल्प लेकर आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। भाग्य की बात करूं तो भाग्य के हालात आपके परिवार वाले निश्चित रूप से आपको मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। कार्यस्थल पर जब भी जाएं, पिताश्री के चरणों का आशीर्वाद लेकर जाएं। गलती से भी किसी सच्चे धर्मगुरु का अपमान करना आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य को नष्ट कर देगा, ये सभी राशि वालों के लिए सत्य है। और गलती से भी किसी मजदूर की मजदूरी मत मारिएगा, जो पसीना बहाकर मजदूरी करता, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे धूप में बैठकर जूते की मरम्मत करने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई हॉकर हो, ये धूप में बारिश में भी आपको सामान पहुंचा रहा है, तो ऐसे लोगों का सम्मान करना सीखे। तो आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शनिदेव।